हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए नवरात्रि हम डोसा बनाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, व्रत वाला डोसे की ही बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम साबूदाना लिया है और पाया मेरी जो है ये सामक के चावल थे, इन्हें मैंने आधा घंटा जो है डिप कर लिया था। अब इसको हम फाइन पेस्ट करेंगे, थोड़ा सा दही और स्वाद अनुसार नमक इसमें ऐड करके। हमें बिल्कुल जैसे नई डोसे का हम बैटर तैयार करते हैं ना, बिल्कुल पतला पतला, बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे। दरदरापन इसका बिल्कुल हम ख़त्म कर देंगे। और इसमें आप थोड़ा सा अगर आप चाहें तो पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने जो बाद में जब इसको पेस्ट बनाने के बाद जार में थोड़ा सा बच गया था तो थोड़ा सा पानी मैंने डालकर वो भी बैटन में रख दिया। अब बैटन को जो है हम एक साइड 10 से 15 मिनट के लिए रख लेंगे। आइए हम आगे का प्रोसीजर करते हैं। या इसके साथ में नारियल की चटनी बनाऊँगी। कद्दूकस करने के बाद इसे मैं मिक्सी के जार में थोड़ी सी मिक्सी में चला लूँगी थोड़ा सा। साथ ही मैंने थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके डाला है, 2-3 हरी मिर्च और स्वाद अनुसार ही नमक और मिर्च। यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, जब आप नमकीन 2-4 चीज़ें इकट्ठी बनाते हैं तो नमक और मिर्च का हिसाब थोड़ा सा कम रखिए, क्योंकि सब में डालने से कई बार एक्स्ट्रा हो जाता है। तो मेरे थोड़ा सा चटनी में जो है नमक तेज हो गया था, इसलिए मैंने आपको ये सुझाव दिया। आगे हम जैसे हम डोसे में पिट्ठी तैयार करते हैं आलू की, सेम वैसी ही पिट्ठी तैयार करेंगे। यहाँ पर पिट्ठी जो है मैं बिगनर के हिसाब से बना रही हूँ। हम बड़े तो सीधा तड़के के साथ जीरे का छौंक लगाकर लगा लेते हैं, लेकिन जब बच्चों को हम बताते हैं तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे मसाले हैं, बॉयल हैं आलू, तो उसी में हम ऐड करके थोड़ा सा ऑयल डालकर, जीरा डाल के इंस्टेंटली हम कड़छी की हेल्प से जो आलू की पिट्ठी है वो छोड़ देंगे। हमें प्याज टमाटर का तड़का तो लगाना नहीं है, तो इसलिए ये पिट्ठी भी सेम वैसी ही बनकर तैयार होगी जैसे हम नॉर्मल डोसे में बनाते हैं। आइए, बैटन हमारा बिल्कुल रेस्ट से ही ठीक हो गया है। देखिए बिल्कुल नीर की तरह बना है ये। आपको लगे अगर ये थोड़ा सा थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। और कोई भी आपके घर में तवा है, चाहे लोहे का है चाहे नॉन स्टिकी है, उसका आप इस्तेमाल कीजिए। और देखिए इस तरीके से आप जो है इसको फैलाकर पकाइए। पर ध्यान रहे, तवा हमारा पहले से बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए। और अगर आपको नीड हो 2-4 बूंद आप ऑयल की उसमें ऐड कर सकते हैं। पकने के बाद चारों किनारी पलटे की हेल्प से इसे टर्न कर दीजिए। देखिए हमारा बिल्कुल डोसे जैसी ही शक्ल आ गई है ना। अब आपने जितनी इसमें पिट्ठी ऐड करनी है, मैंने 2 चम्मच ली है, और इसे रोल कीजिए। और देखिए व्रत में भी बच्चे कितने मज़े से खाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए,